है वो देखिए वहाँ पर जय और बीरू जो है नाच रहा है। तो हम सोचे बढ़िया मौका देखते हैं, हम थोड़ा पीटना शुरू कर दे, और जैसे हम इसको पीटने लगे हैं बस ये देखिए और इस सवाल देखे एकदम गायब हो गया, एकदम फलस हो गया और हमारे शक्तिमान भाई साहब को नॉक कर दिया गया। तो इस बात की पुष्टि जो है शक्तिमान के द्वारा भी की गई कि हैकर है। तो हैकर भाई साहब की टीम में जहां पर किंग भाई साहब जिन्होंने हमारे शक्तिमान भाई साहब को आउट किया था उनको तो हम यहां पर फिनिश डाल दिया बढ़िया। हाँ तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है चाचा जी के चैनल पर, हाई के लिए मतलब आए। चलिए तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किसी फ्लैश हैकर को कैसे मारा जाता है, क्या हमको मिला और हम ससुर का नाती को मारे पिए। तो फिलहाल यहाँ पर हम तीन लौंडे हैं, कहने का मतलब हमारे साथ में फूफा जी हैं और यानी कि शक्तिमान भी हमारे साथ हमारे, ठीक है। तो हम तीनों यहाँ पर बूट कैंप जाने वाले थे लेकिन शक्तिमान के सुझाव से जो है हम लोग पैराडाइज चले आए कि यहाँ पर बहुत सारा बंदा आने वाला है, जिसका हुआ विपरीत यानी कि उल्टा हुआ, यहाँ पर कोई बंदा उंदा नहीं आया। तो हम लोगों के लिए बढ़िया था, यहाँ पर से लूट उट करेंगे और एक दूठो जो भी दिखेगा उखेगा उसको पेल पाल करके जो है हम लोग सड़पट बूट कैंप की तरफ चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे फूफा जी ऑफलाइन हो गए, ऑफलाइन हुए ऐसा कि मतलब एकदम दोबारा आना ही नहीं है गेम के अंदर में। आप पता नहीं कहीं फूफी उफी बुला ली होगी चुम्मा चाटी के लिए, तो वहाँ पर चले गए हैं वो बढ़िया से। अब हम और शक्तिमान यहाँ पर बचे, तो हम लोग बढ़िया से जो है लूट उट करके और बूट कैंप के तरफ जो है सफर करने लगे। हाँ तो यहाँ पर जब हम और शक्तिमान बूट कैंप पहुँचे तो हम लोगों को पता चला कि बूट कैंप से फाइट हो चुकी है समाप्त, और इसके पास में कुछ ही दूर पर जो है 200-300 घर द्वार है, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो हंगामा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, लकड़बग्घा कर रहे हैं, मतलब मारा पिट्टी कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग जो है चल दिए वहाँ पर चिल्लम चुल्ली को जो है शांत करने के लिए। हमने बोला शक्तिमान को कि आइए हमारे पीछे थोड़ा कवर ओवर दीजिए और यहाँ पर धीरे धीरे कहीं से जो है फायरिंग हुआ है तो इधर जाना है ईस्ट पर, देख रहे हो 300 घर जो है। तो हम लोग भी यहाँ पर जो है एकदम भगवान का नाम लेकर के कि साला इधर उधर से कहीं गोली उली ना पड़ जाए, बस हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और देखिए काहे पड़ाया है गोली यहाँ पर, बाप रे बाप। तो खूब धूम धड़क्का हुआ है यहाँ पर मार एकदम, और हम लोग जो है ओपन से निकलने जा रहे हैं, गलत किए हम लोग को, स्मोक स्मोक करके जाना चाहिए। इतने में हम क्या देखते हैं कि दया से वो देखिए वहाँ पर जय और बीरू जो है नाच रहा है। तो हम सोचे बढ़िया मौका देखते हैं, हम थोड़ा पीटना शुरू कर दें, और जैसे हम उसको पीटने लगे हैं बस ये देखिए और इस सवाल देखे एकदम गायब हो गया, एकदम फलस हो गया और हमारे शक्तिमान भाई साहब को नॉक कर दिया गया। तो इस बात की पुष्टि जो है शक्तिमान के द्वारा भी की गई कि हैकर है। तो हैकर भाई साहब की टीम में जहां पर किंग भाई साहब जिन्होंने हमारे शक्तिमान भाई साहब को आउट किया था उनको तो हम यहां पर फिनिश डाल दिए बढ़िया से, और एक और भाई साहब घुसे अंदर में, उसको भी हम दिए टंटना करके एकदम टेटुआ पूरा दबा दिए हैं, इसका सारा बचने नहीं देंगे, उम्मीदें नहीं। हाँ तो यहाँ पर शक्तिमान भाई साहब को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, हम नहीं बचा पाए और हम बार बार बाहर निकल रहे थे क्योंकि वो फ्लैश है तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा हैकर है तो कोशिश कीजिए कि आप घर के अंदर या फिर कहीं भी कवर में रहने के लिए, और हम कहा कि जल्दी से जो है सब गेट को लगा दिए, देख लिए कि सब गेट लगा रहना आराम से, और हम यहाँ पर आराम से बैठ गए दारू सारू पी करके। वैसे हम चेक एक बार और कर लेते कि दूसरा वाला गेट लगा बिल्कुल लगा था, तो सब गेट हम लगा दिए। कहा है कि फ्लैश भाई साहब कितनों स्पीड से आएंगे गेट खुलने में तो उनको समय लगेगा और समय लगेगा, और जैसे वो अंदर घुसेंगे बस हम उनका टेटवा दबा देंगे। एकदम तैयार थे हम पूरा दारू सारू पी करके एकदम बढ़िया से, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फ्लैश का दो ठो खिलाड़ी को तो हम निपटा दिए हैं पूरा बढ़िया से, अब दो ठो बचे हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं लगातार हमारे ऊपर पत्थर उत्थर फेंक रहा, अब सारा पता नहीं ESP रहेगी क्या रहा है। हमारा यहाँ पर गड़िया फट के गुड़गांव हो गया था, हमको लगा कि साला ESP है तो एकदम ऐसा नेट फेंकेगा जो साला हम कहीं भी भाग जाए हमारे पॉकेट में आके गिरेगा एकदम, ठीक है। लेकिन भगवान भरोसे यहाँ पर हम बचल हैं, दो तीन बार लोग नेट का ट्राई किया लेकिन हम जो है नहीं निपटे हैं। हम पूरा पेशेंस मार के बैठ गए कि नहीं भैया जोन आएगा साला तब भी हम यहीं पर बैठे रहेंगे, लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं तो फ्लैश हैकर का सामना आप कर ही नहीं सकते, कैसे खींचेगा भाई, वो इतना फास्ट में दौड़ेगा साला आपका मतलब आपको दौड़ा आ जाएगा, साला दिल का दौड़ा आ जाएगा एकदम, कहने का मतलब है। देखिए आ गया हमारे पास में एकदम टंटना आकर के लोग, अब साला यहाँ पर जो है हमारा घबराहट से पूरा हालत खराब, माइंड बच गया एकदम हमारा, हम भी तैयार, मतलब जो भी हमारा परसेंटेज है जीतने का 0.something तो वही लेकर के हम भी आप बाप रे देखे इक्का मारा है और गेट तोड़ दिया, जिस भरोसे पर हम थे कि गेट साला खोल के घुसेगा वो गेटे साला ही तोड़ दिया, अब साला इस साला पट यहाँ पर घुस सकता है। लेकिन हम भी यहाँ पर पूरा तरीके से तैयार होकर अंदर आओ साला मिलते डोलते रहते हैं, इतने में कहा है कि आया साला हैकर, हम यहाँ पर हैकर को पिल दिए साला न्यूरोन को, इसका टीम में साला हमारा एकदम 50% खा गया, मौका मिला कोई रिलोड करने का और हम इसको पिल दिए एम्बुलेंस ने किसके साथ में, हम यहाँ पर हैकर का पूरा टीम को मार बैठे साथ को क्या समझ कर रखे हो, लोहा भर देंगे पूरा सिगरेट बोतल वाला बंदूक।
बहुत गजब यहाँ पर मारे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा नाथ लिए ताकि हमको भी मजा आया और हम भी थोड़ा ऑल पर धमकी उमकी दे दिए कि काला हाई कर ससुरा कैसा मजा आया एकदम मारता खा करके, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बुढ़वा कहीं का एकदम घटिया, हम तो खूब नाचे हैं यहाँ पर दिल खोल खाएगा। इतने में पता चला कि और भी गोली उली चला है तो हाइकर्स तो बच गए हैं, बाकी और भी खिलाड़ी सब है यहाँ पर तो उससे भी हमको लड़ना पड़ेगा संभल कर। जल्दी जल्दी हमको जितना सामान तमान मिलता है हम जल्दी समेट लेते हैं और सिक्स एक्स वगैरह मिल गया सुना। लेकिन हमको हम तैयार थे भैया कि हम हाइकर को मार दिए ना, वो भी साला पूरा टीम को मार दिए उसका, वो भी साला शीघ्र पतन वाला बंदूक बढ़िया एकदम जबरदस्त। तो हमको लगा साला कोई भी आके मार जाए अब हमको कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता, मर जाएंगे श्रद्धा से हम अपना जो है मर जाएंगे। लेकिन फिर भी हम सोचे कि ना ऐसे नहीं मरने देंगे जी, हाँ यार चाचा है एकदम, हम ऐसे कैसे मर जाएंगे। तो हम बोले कि रुक सबर करते हैं, पैसे से रखते हैं पूरा बढ़िया से और आने देते हैं हमारे पास, हम साफ से साला पंगा लेंगे। अब जब हाइकर को मार दिया है तो ये सब का चीज़ है जी। तो हम यहाँ पर चुपकी मार करके सब खिड़की उड़की के पास में आराम से जो है हुलकी मारने लगे इधर उधर के, जहीं पर हमको दिख जाएगा साला तो थोड़ा बहुत जो है अंदाजा हो जाएगा ना। देख रहे हैं बाप रे बाप, ऐसे सेनों का मैप साला बहुत खतरनाक मैप है, इसमें पता नहीं चलता कौन कहाँ से कैसे गोली मारता है एकदम। अरे देखिए इतने में एक ठोंको दिख गया ससुर का नाती, यहाँ पर गया पत्थरवा के पास में जाकर जो है छिप गया एकदम पत्थर के पास में। भाई साहब हैं और आगे क्लोज में, ठीक है आ जाओ आ जाओ आइए आइए। तो ये हमारे घर के पास में आके बैठ गया, तो हाइकर नहीं है तो बढ़िया है, हम क्लोज जा सकते हैं फाइट लेने के लिए इनसे। इतने और बाप रे इतने में जो है बायां साइड से गोली टपा दी हमारे ऊपर में और हम यहाँ से छोटा दबा दिए ऊपर में एकदम। काली का भूख नाम था इनका और इनको हमने कर दिया मतलब क्या कहते हैं जादू टोना वाला कुछ कहते हैं कैसा पर जो भी रहा, इनको हमने फिनिश कर दिया समाप्त भवा कर दिया। हाँ तो यहाँ पर हमारे जो हैं शक्तिमान भाई साहब यॉल पर किसी मरे हुए आदमी सबसे बातचीत कर रहे थे एकदम, और उनको बता रहे थे कि देखिए हमारा टीम में था ऐसे ऐसे बात है ऐसे फलाना जगह पर है और आप आकर के जो है इनसे लड़ सकते हैं इनको मार सकते हैं। मतलब बढ़िया है ऐसे ही टीम में तो सही, और क्या चाहते हैं हम लोग हाँ मतलब ऐसे ही टीम में। और इतने में हम पर फरना शुरू हो गया गोली, हम बचे बाप रे बाप एकदम सड़पट साला, हमारा धड़कन तेज हो गया यहाँ पर एकदम, कहाँ से दिया साला ये गोली, हम भी गेट लगा दिए यहाँ पर और फिर जाकर के जो है खोल दिए और उसके बाद फिर लगा दिए, फिर हमको समझ में नहीं आया कहाँ हम ऐसा किया, लेकिन जो भी है ठीक ठाक है। तो अब हम घबराने के बाद हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा कार्यक्रम कर देते हैं, कभी साला उल्टा जोने में भाग जाते हैं एकदम। तो यहाँ पर हम चुपचाप बैठ गए कि अब साला जो क्लोज आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि बाहर कितना टीम है, कौन कहाँ पर से कैसे गोली मारता है, कहाँ नाम उसके। और हमारे शक्तिमान भाई साहब दूसरी तरफ अभी भी लगे हुए हैं ये मरे हुए लोगों से बात करने में एकदम, अच्छी बात है लगे लगे एकदम। पता चला हमको कि यहाँ पर जो है चिल्लम चुल्ली करने के लिए और भी खिलाड़ी सब आ गया है, बात खूब आया है यहाँ पर टीम सब एकदम। तो हम भी यहाँ पर जो है देखने लगे कि कोई हमारे हाथ से चढ़ जाए, इतने में जो है हमको का दिखता है देखे गाड़ी के पीछे में साला सुतल है यार मकैनिक। चलिए तो यहाँ इसको हम जो है शैडो भाई साहब का शैडो छिल लिए हैं, समाप्त तो भवा कर दिए इकलौता था यहाँ पर। और हम यहाँ पर एकदम चुपचाप जो है अब इंतजार करने लगे कि कोई आएगा हमारे पास में तो उसको हम दंदना देंगे, उसके ऊपर में जो है पेल देंगे पूरा एकदम। लेकिन अभी भी साला कोई नहीं आ रहा है, एकदम शांति में जो है ना चुपचाप बैठा लेता। हम सोचे जिस घर से हम बाहर निकले थे ना उसी घर में जाना सेफ्टी रहेगा, तो फटाफट जो है उसी घर में निकल लेते एकदम। हाँ तो जब हम लेटे लेटे यहाँ पर जो है चारों तरफ हुलकी मार रहे हैं खिड़की से, इतने में हम क्या देखते हैं हुआ देखिए देखिए ये अथी सांभा भाई साहब गब्बर का सांभा हुआ तो हुलकी मार रहा, बाप रे बाप रे का ही हमारा गेम फंसा है यहाँ पर एकदम। तो बच गया साला हम फंस गए, मतलब हमारा जान फसल था थोड़ा सा के लिए, एक HP में बचे एकदम यहाँ पर। तो पता चला कि यहाँ पर जो है चिल्ला ओ देखिए नेट वेट फेंका जा रहा है पूरा यहाँ पर। तो ये वो टीम है जिसको हमारे शक्तिमान भाई साहब इनवाइट किए कि बूट कैंप के पास में कुछ घर द्वार है वहाँ पर KD चाचा जी हैं वो मार पिटाई कर रहे हैं, तो आओ थोड़ा सा दूध हाथ कर। तो अब वो पूरा टीम आ गया है यहाँ पर, हम भी थोड़ा इंतजार करने लगे कि भैया जितना पत्थर उत्थर है अपना बाइक में सब निकाल करके फेंक दो, जब फेंका हो जाएगा तब लड़ लेंगे गम से एकदम, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर एकदम तैयार हैं कि जैसे आ गया साला क्लोज में उसके बाद तब जाके मारेंगे, क्योंकि बाहर हमारा जाना खतरा से खाली नहीं है, साला कभी भी गोली उली हमारे ऊपर में जो है लग सकते हैं। इतना में हम क्या देखते हैं कि उस ससुर का नाती वाकई में हमारे क्लोज में आ गया बुढ़बा कहीं का, और वो भी कहाँ था खिड़की से घूम रहा है बुढ़बा कहीं का कार्य गधा। एक तो हमारा साला वेस्ट खा गया पूरा, समाप्त कर दिया है वेस्ट, चल इधर आओ। तो इसका और भी बाकी टीम में था जिसके बारे में शक्तिमान भाई साहब कह रहे थे कि वो भी है वो भी आएगा।
तो हम सोचे थला इसको फिनिशर कर देते हैं एकदम, किरने तो रहने देते हैं कि आएगा इसका टीममेट इसको बचा लेगा। अब इतना हम मारे हैं, मारते मारते थक गए, अब मारने का जो हमको मन नहीं कर रहा किसी को, वैसे तो हमारा दिल खुश हो गया थोड़ा हाइकरे को मार करके। अरे भैया देना है तुमको वेस्ट दे दो भाई, वेस्ट नहीं है हमारे पास में। तो हम इस ससुरगढ़ नाती से जो है आराम से वेस्ट मांग रहे हैं और ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे, एकदम आराम से बैठे थे चिल मार करके, कोई दिक्कतें वाली बात नहीं है। सारा नंगा फुंगा होकर के गलत काम करने का यहाँ पर सोच रहा था, लेकिन हम इस सब चीज का जो है शौक नहीं रखते हैं, इसलिए हम ज्यादा ध्यान व्यान नहीं दिए और इस पर कहा कि हम गेमों पर ध्यान नहीं दिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, क्या हो सकता है हमारे साथ में, कुछ ध्यान नहीं। बस इतने में जो है पापा भाई साहब जो है इस AWM से हेडशॉट मारे, वो इसी का टीम मेट था शक्तिमान भाई साहब को बुलाने पर यही आ रहा था जो खड़ा कर, तो अठवा किल साला मरने के बाद हमको मिला। वाह भाई, ससुर का नाती जो है एकदम खुश हो गया कि अरे हम तो मार दिए चाचा को, अरे बोल पाका तुम कहाँ मारे हो, हम मर गए तुमसे, मतलब हम ऐसे ही नहीं चले खाट जो भी रहा, हम साला हाइकर का पूरा टीम को मारा ना भाई, हमारे लिए बहुत बड़का अचीवमेंट है। आगे और देखते हैं कितना हाइकर मिलता है। वैसे BGMI वालों से रिक्वेस्ट है कि जब तक टूर्नामेंट नहीं शुरू होता जल्दी जल्दी भाई बंद करो, बैन करो, एकदम सफाई अभियान चालू रखो। चलिए तो आज की वीडियो अगर सच में आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ एक महीना तक लगातार हम वीडियो अपलोड करेंगे और देखेंगे जो शख्स मतलब जो भी लोग हैं आप में से जो लोग हमारे वीडियोस पर रेगुलर लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो उनको हमारे तरफ से गिव अवे होगा, ठीक है। और क्या गिव अवे होगा वो हम आगे बताते चलेंगे आपको बाद, बाकी आज के लिए काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया तो अच्छा हम तीसरी बार बोला, हाँ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या कहते जी, आए बाय बाय।